ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, क्यों नहीं लांघी जाती है शिवलिंग की पानी की जलाधारी? परिक्रमा करने का चलन कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों की पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, परिक्रमा के एक एक पद चलने से ज्ञात अज्ञात अनेकों पापों का नाश होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अक्सर सभी देवी देवताओं और मंदिरों की पूरी परिक्रमा की जाती है, वही शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है। शिव देव आदि देव हैं। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के नियम अलग अलग हैं, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी निहित हैं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा को शास्त्र सम्मत माना गया है, इसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान जलाधारी को लांघना मना होता है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है। पहले तो हम धार्मिक कारण जान लेते हैं। पुराणों समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा का करने का विधान बताया गया है। इसका धार्मिक कारण है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली, सोमसूत्र और जलाधारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग इतनी शक्तिशाली होती है कि उस पर चढ़ाए गए जल में भी शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। ऐसे में जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि यदि व्यक्ति इसे लांघे तो ये ऊर्जा लांघते समय उसके पैरों के बीच से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को रसमय शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना गया। शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान भक्त उनकी जलाधारी तक जाकर वापस लौट लेते हैं। ऐसे में अर्धचंद्र का आकार बनता है और इसीलिए इस परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। चंद्राकार परिक्रमा के कुछ भी नियम हैं। आमतौर पर परिक्रमा दाई ओर से की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर की तरफ से की जाती है। फिर जलाधारी से वापस दाईं ओर लौटना होता है। वहीं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी हम जान लेते हैं। वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करें तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होते हैं और इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखें तो पता चलेगा कि इन शिवलिंगों के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। यदि आप एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर करेंगे तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार में आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि इसे लांघने से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। इसीलिए शिवलिंग की जलाधारी को लांघने की मनाही की गई है।